नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मोदी न्यूज में स्वागत है। दोस्तों आज की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, भाइयों और बहनों सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, क्योंकि अभी मोदी सरकार के द्वारा शानदार घोषणाएं कर दी गई हैं। जी हां भाइयों बहनों, अगर आप भी बेरोजगार हैं और आपके घर में कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, जिसके तहत बेरोजगार भाई और बहनों के लिए एक परिवार एक नौकरी योजना का लाभ मोदी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आप अभी तक सरकार की इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ, कहां पर आपको कैसे आवेदन करना है, किस प्रकार से इस योजना का लाभ लेना है, समस्त जानकारी हम आपको यहां पे देंगे। तो पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन वीडियो को आपको शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। दोस्तों अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी न्यूज भारत के हर बेरोजगार और जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, मोदी सरकार के द्वारा एक परिवार एक नौकरी योजना शुभारंभ कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, अभी तक इस योजना का शुभारंभ केवल असम में किया गया था, लेकिन इस योजना को पूरे भारत में एक अच्छा रिस्पांस मिला है, जिसके बाद माननीय मोदी सरकार के आदेशों अनुसार इसको भारत के हर राज्यों में अलग अलग तारीख पे लॉन्च किया जाएगा। इसको मैं आपको बताते चलूं, इस योजना के तहत हर उस परिवार में, जी हाँ दोस्तों, उस परिवार में जिसमें कोई भी सरकारी नौकरी नहीं पाया है, उनमें से एक परिवार के सदस्य को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह हर परिवार के लिए होगा और इसमें गरीबों को ही सिर्फ लाभ मिलेगा, अमीरों को इससे दूर रखा जाएगा और जो पहले से सरकारी नौकरी में है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपके घर में अभी तक कोई सरकारी नौकरी नहीं पाया है तो ये समय बहुत ही खुशखबरी का है, क्योंकि आप जल्द पाने वाले हैं इस योजना का लाभ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें। अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 1 सितंबर से पूरे भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब जो इससे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि माननीय मोदी सरकार ने एक ऐप का लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, गूगल प्ले में आप जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे घर बैठे बैठे आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। मात्र ₹350 आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और उसके 6 दिन के बाद आपको आपके घर के एड्रेस पे ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय कई प्रकार के नियम आ चुके हैं, ट्रैफिक से नियम, और इसमें कई लोगों की ड्राइविंग लाइसेंस चेक हो रही है। इसके बाद दलाल सक्रिय हो गए थे, वो लोगों के पैसे को खाने के लिए तैयार हो गए थे। इसी को देखते हुए माननीय मोदी सरकार ने एक सरकारी ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है ऐप टू ड्राइविंग लाइसेंस। आप जाके इसका लाभ उठा सकते हैं, तुरंत आप जाएं गूगल प्ले स्टोर पे, इसको डाउनलोड करें, और अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया है तो तत्काल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। तो दोस्तों अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन आपसे पहले हम एक विनम्र निवेदन करेंगे कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तत्काल वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारी ताकत बनती है। दोस्तों अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी अस्पतालों में बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, शुगर, चमत्कारी बीमारी और जितनी भी बीमारियां गंदी गंदी जो होती हैं, उसमें मोदी सरकार आपको 5 लाख तक का फ्री इलाज कराएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि सरकारी हॉस्पिटलों का काम ही होता है फ्री में इलाज कराना, लेकिन आज के समय में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में इलाज नहीं होता। अगर आप जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल में, वहां पे आपको डॉक्टर लूट लेगा और बाहरी दवाइयों के बारे में लिख देगा, मजबूरन आपको जाकर बाहर से मेडिसिन लेनी पड़ेगी, दवाई लेनी पड़ेगी, जबकि सरकार हर साल अरबों रुपए इस चीजों में खर्च करती है। मोदी सरकार को पता चल गया है कि लोग सरकारी अस्पतालों को क्यों दूर भाग रहे हैं, क्योंकि सरकार के अस्पतालों में चल रहा है गंदा धंधा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का धंधा कि वहां की जो सरकारी दवाइयां हैं उसको बाहर बेचा जाता है और लोगों से मोटी रकम ली जाती है। जब इसकी शिकायत मोदी सरकार को पता चली कि लोगों को सरकारी अस्पतालों में पैसा लूटा जा रहा है, उसके बाद मोदी सरकार ने नया नियम निकाल दिया कि 5 लाख रुपए तक का जितना भी आपकी बीमारी है, जैसे शुगर, यहां पे आपको शुगर से लेकर जितनी भी दिल का दौरा, टीवी, कैंसर, कुछ भी होता है, सब कुछ इलाज फ्री में होगा। लेकिन इसके लिए आपको केवल एक आपको कार्ड बनवाना होगा, जिसका एकमात्र रुपए है ₹20। इसको आप जाके ऑनलाइन साइबर कैफे से बनवा सकते हैं। तो दोस्तों अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा।
अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है दोस्तों कि मैगी पिज्जा चाउमीन तो जल्द ही आप खाते होंगे, लेकिन अब मोदी सरकार जा रही है इसको बंद करने। जी हाँ दोस्तों, मैगी चाउमीन बर्गर ये सब आपके घर के पास बिकता होगा और आप इसको काफी आसानी से खा जाते होंगे काफी स्वाद लेके, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि इंडिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी बताया है कि इन सब चीजों को खाने से इंसान को हार्ट अटैक की बम्पर बीमारी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने रिसर्च से पता कर लिया है कि फास्ट फूड में पड़ने वाला चाइनीज नमक जिसका नाम अजीनोमोटो है, उससे लोगों को अटैक आ रहा है, वो भी दिल का। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप चाउमीन बर्गर पिज्जा मोमोज ये सब खाते हैं तो इसको जल्द से जल्द खाना बंद कर दे, अन्यथा आपके मरने की जो तथ्य है वो बिल्कुल नजदीक हो जाएगी। तो दोस्तों, अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा और अगर आप इसका सही उत्तर देते हैं तो आप जीत सकते हैं 5,000 रुपए का पेटीएम कैशबैक। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि महेंद्र सिंह धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली, इन तीनों में से सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, और आपसे आपकी राय पूछी जाए तो आप कमेंट में क्या आंसर देंगे, तो आपको केवल और केवल इसका सही उत्तर देना। अगर आप उत्तर सही देते हैं तो आप जीत सकते हैं 5,000 रुपए तक का पेटीएम कैशबैक, लेकिन इसके लिए आपको अपना नंबर भी देना होगा। दोस्तों, अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, भारत सरकार की अगली बड़ी योजना, अगर आपको भी चाहिए एलईडी योजना के तहत सरकारी बल्ब तो आप ले सकते हैं कल से फिलिप्स विस्प्रो आदि का सरकारी बल्ब। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिजली का बिल जमा करते हैं तो कल से आपको नई योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, बिजली बिल योजना। इसके तहत आपको हर परिवार को 2 LED बल्ब फ्री में दिए जाएंगे, लेकिन ये वहीं से आप ले सकते हैं जहां पर आप अपनी बिजली को जमा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिजली बिल जाएं तो इस बार ये एलईडी बल्ब जरूर लें, और इसके लिए आपको केवल अपना आधार कार्ड और आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। तो दोस्तों, अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, किसान भाइयों को सरकार मुफ्त में देगी सोलर। जी हाँ दोस्तों, सोलर एनर्जी का पूरा सेट। अब ये न्यूज जो आई है इसको खुद माननीय मोदी सरकार ने, मोदी नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे कहा है कि किसान भाइयों जिनके पास कम जमीनें हैं उनको सोलर सेट दिया जाएगा। तो ये कैसे न्यूज है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि भारत में आप जानते ही हैं किसान सबसे गरीब होता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस किसानों को पूरा हक होता है अपनी जिंदगी को जीना। तो दोस्तों, अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आज के मौसम समाचार की जानकारी, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, चारों तरफ बारिश का कहर जारी हो चुका है। लगातार 24 घंटों से गुजरात में और राजस्थान में बम्पर वर्षा हो रही है, अभी तक 1,000 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ आने की संकेत दिख रहे हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में रहते हैं तो चौक मत जाइएगा, क्योंकि लगातार बारिश से लोगों की बदहाली तेज होती जा रही है। दोस्तों, अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, सभी राज्यों में जनता के लिए एसी अर्थात एयर कंडीशन के दामों में भारी छूट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी सपना है एसी लेने का, अगर आपको भी ठंडी ठंडी हवा चाहिए तो मोदी सरकार आपको लुभांचित कर रही है एक और योजना से। जी हाँ दोस्तों, सरकारी योजना के तहत आप जाकर किसी भी दुकान से सस्ते दाम पर एसी ले सकते हैं। अगर 24,000 की एसी है तो आधे दाम पर आपको ये एसी दी जाएगी, नियर अबाउट इसका GST लगा के 12,000 तक की आपको दी जाएगी, लेकिन ये केवल और केवल एक ही एसी पे रहेगी, एक ही परिवार में एक एसी पे ही ये योजना लागू होगी। तो अभी तक आप एक एसी नहीं लिए तो जल्दी से जल्दी जाइए और एसी का दाम पता कीजिए दोस्तों, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलता, मोदी सरकार बार बार लोगों पर मेहरबान नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों, अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, भारत के बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। भारत सरकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात SSC के माध्यम से 12वीं पास की सीधी भर्ती निकाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट पोस्टमैन और यहाँ पे MTS की भी भर्ती है। अगर आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो केवल और केवल आपको एक वेबसाइट जो मैं बता रहा हूँ वहां जाना है, www.uptssc.com, और यहाँ पर जाकर आप 12वीं पास केवल हैं तो एक सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका जीत सकते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताना चाहूंगा कि कल जब चंद्रयान 2 अपने अच्छे तौर पे चल रहा था, उसके बाद पाकिस्तान की ओर से एक गंदा घिनौना एक संदेश आया। इमरान खान ने कहा कि माननीय मोदी सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए चंद्रयान 2 को पूरे न्यूज में चलवा रही है, जबकि असलियत यह है कि चंद्रयान 2 पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है।
जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने आखिरकार अपनी गंदी जवान का असली तौर पे दिखा दिया। उसने कहा, जब पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से पूछती रही कि तुमने क्यों चंद्रयान 2 टाइप का एक यंत्र नहीं भेजा, जब पाकिस्तान की आवाम की एक जिम्मेदारी के तहत इमरान खान तले दब गया, तब उसने कहा चंद्रयान 2 पहली बार फ्लॉप हो चुका है और पाकिस्तान भी इल्लाही के नाम से एक यंत्र भेजने वाला है जो कि चंद्रयान 2 को बिल्कुल खत्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान बिल्कुल तैयार कर रहा है इल्लाही नाम का एक यंत्र जो कि चंद्रयान 2 को विफल करेगा। तो अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या आप इमरान खान को, जी हाँ दोस्तों, इमरान खान को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे, क्योंकि वह इमरान खान वही इंसान है जो एक समय माननीय मोदी जी से मिलने के लिए तरस रहा था, लेकिन अब इमरान खान अपनी औकात से ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों की कोई औकात नहीं है भारत के सामने टिकने की, लेकिन ये बात करते हैं 100% सोना आने की, क्योंकि हमारा देश जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। अगर हमारे देश की तरफ कोई भी देश देखता है तो हमारी भारत सरकार उस देश की आंखों का जो हाल करेगी वो पाकिस्तान सरकार अपने 7 जन्मों में नहीं सोची होगी। तो दोस्तों, अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं कि अभी तक आप जो दूध ले रहे थे अमूल का, उसमें मिलावट के साथ भारी पानी मिलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कल एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है।